हेलो नमस्ते, कैसे हो आप? आज की वीडियो में हम इन पुराने कपड़ों से कुछ किचन में यूज होने वाली चीज़ें बनाएंगे जो बहुत ही किचन में यूजफुल होती हैं। देखिए, ये मेरे पास एक पुराना सा, ये थोड़ा मोटा सा कपड़ा था जैसे तौलिया होती है उस टाइप का, तो और ये एक मैंने कुर्ता लिया है, पुराना कुर्ता, और ये एक बीच में पिंक कलर का मेरे पास एक पीस था। अब हम इन्हीं से ही कुछ बनाएंगे। पहले हम किचन एप्रन बनाएंगे। इसको बनाने के लिए देखिए, मैंने इस तरह से ये पुराना कुर्ता लिया हुआ है जो हमारे एप्रन की लेंथ होगी वो 32 इंच होगी, यानी कि 32 इंच होगी। इस तरह से देखिए, इसको मैंने डबल कर लिया है कुर्ते को। इस तरह से ऊपर से मैं इस तरह से पहले 6 इंच पर निशान लगा करके देखिए 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और जो इसका ये नेक है इसको अलग कर लेंगे, और नीचे की साइड 10 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और फिर इस तरह से ऊपर 6.5 इंच तक लाइन खींच लेंगे जहाँ 6.5 इंच का निशान है, और फिर इस तरह से हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। अब कटिंग कर देंगे, पहले इसके नेक को अलग कर देंगे मुड्ढे से। अब इसको इस तरह से बराबर रखेंगे, फिर इस तरह से देखिए, ये मेरा 32 इंच है और 30 इंच तैयार होना है। तैयार होके जो रहेगा ये 30 इंच का हो जाएगा। 32 इंच मैंने सिलाई में आएगा कुछ, इसलिए रखा है। अब इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। देखिए, कुर्ते से किचन एप्रन बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से इस कुर्ते में मेरे नीचे बॉर्डर था, मैंने बॉर्डर को भी पहले हटा दिया था। अब इस तरह से देखिए, ये इस तरह का बॉर्डर लगा हुआ था नीचे की साइड, मैंने ये हटा करके इस तरह से हम इसका पॉकेट बनाएंगे आगे। इस तरह से इसकी जो लेंथ होगी वो 9 इंच होगी लंबाई इस तरह से, और जब मैं दोनों को इस तरह से बराबर रखूंगी तो 8 इंच होगी। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और ये इस तरह से देखिए, 20 20 इंच की हमें 3 पट्टियां लेनी है, तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो 2 इंच होगी। तो ये 20 20 इंच की हमें 3 पट्टियां लेनी है इसमें डोरी बनाने के लिए। अब इस तरह से मेरे इसमें जो ये डिज़ाइन है गले पर, मैं इसको भी अलग कर लिया है। देखो, मैंने ये इस तरह से, अब मैं इसके ऊपर इस तरह से जिस तरह की मैं इसमें डोरी लगाऊंगी उसी तरह का मैंने ये कपड़ा लिया है, और आगे इस तरह से इसको लगा लूंगी तो ये थोड़ा डिजाइन बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने ये लगा लिया है। अब इस तरह से देखिए, इसको सीधा रखना है, और इसके ऊपर से हमें ये दूसरा पार्ट रखना है। और सिलाई कर देंगे। सिलाई करने से पहले हम इसमें दोनों साइड की डोरी लगाएंगे पहले। देखिए, ये मैंने इतना सिल लिया। अब मैं इस तरह से पहले डोरी बनाऊंगी। डोरी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर जो मेरा ये कपड़ा था इसके अंदर एक और कपड़ा रखकर इस तरह से मोड़ करके
सिलाई करेंगे तो ये थोड़ी डोरी जरा मजबूत सी हो जाएगी और इस तरह से 20-20 इंच की कटिंग कर लेंगे तीनों डोरियों की, 20 या 22 इंच की आप जितना रखना चाहते हो। और इस तरह से जो पॉकेट है मैंने दोनों को जोड़ लिया है, दोनों जो हम इसमें ये बॉर्डर था ये बॉर्डर दोनों साइड से जोड़ लिया है। और फिर इस तरह से ऊपर से सिलाई कर देंगे। और नीचे की साइड इस तरह से दोनों साइड मोड़ेंगे ट्रायंगल की तरह, देखिए इस तरह से नीचे से। इस तरह से सिलाई कर लेंगे तो ये हमारा पॉकेट बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है बनाना। अब देखिए मैं पहले इसके दोनों साइड में डोरी लगाऊंगी। डोरी इस तरह से यहाँ पर और दूसरी साइड में भी इस तरह से, ये डोरी वहां पर लगनी है जहां मैंने ऊपर से 10 इंच का निशान लगाया था। इसको अंदर रखेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड में लगा लेंगे। इस तरह से अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से तीन साइड हम सिलाई कर लेंगे और ऊपर की साइड खुली रखेंगे। वहां हम दूसरी डोरी लगाएंगे, जो गले वाली डोरी है वो हम बाद में लगाएंगे। इस तरह से पहले सिलाई कर लेंगे तीन साइड। इस तरह से ये किचन एप्रन आप कुर्ते से बनाएं तो बहुत ही आसान है बनाना और ये किचन में काफी यूज होता है। इस तरह से मैंने इसको राइट साइड कर लिया। अब इस तरह से देखिए ऊपर की साइड यहाँ पर और दूसरी साइड भी। इसको हल्का सा इस तरह से अंदर को मोड़ेंगे कपड़े को। इस तरह से देखिए। अब इसके अंदर इस तरह से इस डोरी को रखना है और सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए। अब इस तरह से ऊपर की डोरी लगाने के बाद मैं इसमें इस तरह से पॉकेट लगाऊंगी। देखिए ये पॉकेट जो लगाना है ये यहाँ से लगाना है, जहाँ से हमने दोनों डोरियाँ लगाई हैं साइडों की और ऊपर की डोरी। इस तरह से ये बिल्कुल हमारा किचन एप्रन बिल्कुल तैयार है। अब हम दूसरी चीज़ बनाएंगे। ये चीज़ भी किचन में काफ़ी यूज होती है। देखिए इस तरह से मेरे पास ये एक छोटा सा पीस था, मैंने सोचा मैं इससे किचन की तौलिया बनाऊं, सुंदर भी लगेगी थोड़ा डिज़ाइन बना करके, जैसे किचन में हाथ पोंछने के लिए या बर्तन को पकड़ने के लिए गरम, इस तरह की एक तौलिया होनी चाहिए। तो इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से देखिए 25 इंच है, जो चौड़ाई है वो 16 इंच है। इस तरह से मैं और इस तरह से एक लूप बनाएंगे, 5 इंच इसकी लंबाई है, और इस तरह से इसको सिल लेंगे। और अब इस तरह से 2 इंच की पाइपिंग लगाने के लिए पट्टियां लेंगे और इस तरह से इसके चारों तरफ सिल लेंगे। जो हम ये तौलिया बना रहे हैं किचन का कपड़ा या तौलिया,
ये इतना ही कपड़ा मेरे सोफे के कवर में से बच गया था, तो मैंने सोचा मैं इसका भी यूज कर लूँगी, क्योंकि ये कॉटन का है और अच्छा और मजबूत कपड़ा है, मोटा सा जैसे तौलिया होती है उसी टाइप का है ये कपड़ा। देखिए ये लूप को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और अंदर को मोड़ करके कपड़े को सिलाई कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने इस पर पाइपिंग लगा ली है। अब मुझे इसे और थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाना था, तो मेरे पास ये इतना सा एक पैच पड़ा हुआ था, मैंने सोचा मैं इस पर लगा लूँ तो ये सुंदर बन जाएगा। इस तरह से मैंने इस पर लगा लिया है। ये दो चीज़ें तो बन के तैयार है, और एक चीज़ देखिए ये तो बहुत ही यूजफुल है किचन के लिए। इस तरह से मैंने एक छोटा सा मिनी पाउच बनाया था विदाउट जिप लगा करके। इसकी जो लंबाई थी वो है 7 इंच और चौड़ाई भी इसकी 7 इंच है। इस तरह से मैंने 2 पीस पिंक कलर के और 2 पीस अंदर ये फ्रोज इस तरह के कलर के लिए थे, और ऊपर मेरे पास इतना सा एक बॉर्डर था, और मैंने इस तरह से चारों तरफ सिलाई करके इस तरह से और ये बना लिया, और इसके ऊपर से ये छोटी छोटी 2 लूप लगा ली इसको टांगने के लिए। और ये मेरे पास एक फ्लोवर है पुराना सा, तो मैं भी इसको देखिए इस तरह से इस पर लगा लूँगी, तो ये और भी सुंदर और डिज़ाइनर बन जाएगा। इस तरह से आप छोटे छोटे पाउच बनाइए किचन के लिए, ये काफ़ी यूजफुल होते हैं सामान रखने के लिए। देखिए मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से किचन में लगाना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको ये टांग लिया है, और देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है किचन में। इससे किचन डेकोरेट भी हो जाएगी, और इसमें इस तरह से हम छोटे छोटे अपने सामान रख सकते हैं किचन के। देखिए इस तरह से कितनी प्यारी ये पाउच लग रहा है, कितना प्यारा, और किचन भी सुंदर सी लग रही है। और देखिए इस तरह से ये जो मैंने ये किचन का कपड़ा बनाया था, इसको भी इस तरह से आप कहीं पर भी टांग सकते हो, किचन बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से ये सभी चीज़ें किचन के लिए काफ़ी यूजफुल हैं, इसलिए इस तरह से आप भी इनको घर पर बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, बाय।